Hey guys, how are you all? Welcome back to the channel. So today's video is all about my 5-year-old daughter's what she eats in a day. तो ये मैं शेयर कर रही हूँ when she is at home, because जब स्कूल जाती है तो मील थोड़ी different होती है. Now she goes to different classes, swimming class, ballet class, और एक और डांस फॉर्म में उसने इनरोल किया है. और शी लव्स टू डू साइकिलिंग. सो बच्चों की जो एनर्जी है वो काफ़ी बच्चे बर्न करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट शी ईट्स इन अ डे. सो मॉर्निंग में आई मेक श्योर कि उसका जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए. समटाइम्स परांठास या ओट्स. और आज मैं बना रही हूँ उसके लिए एग एंड यू नो समथिंग रिलेटेड टू सैंडविच और सब फ्रूट्स. बट सबसे पहले जो बादाम मैंने सो किए होते हैं वो खाती है अराउंड 5. एंड आई मेक श्योर कि वो प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे, काफ़ी पानी पिए जब वो एटलीस्ट घर पे होती है. स्कूल में वो बॉटल लेके जाती है तो पीती है, बट फिर भी जितना घर पे पीते हैं उतना बच्चे नहीं ध्यान रखते वहाँ पे. और उसका जो ब्रेकफास्ट होता है वो यूजुअली 7:30 होता है उसका. हमारा सबका फैमिली वी ईट आर ब्रेकफास्ट एट 7:30, क्योंकि उसका स्कूल जो है वो अराउंड 8:30 से होता है. और स्कूल आवर्स काफ़ी लंबे हैं यहाँ पे कनाडा में, 8:30 to 3:30 है. बट वो YMCA जाती है उसके बाद तो वो घर पे लेट ही आती है. तो आज वो घर पे थी तो आई एम शेयरिंग हर ब्रेकफास्ट. तो एग्स में मैं कॉटेज चीज़ ऐड कर रही हूँ, दैट इज़ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन. और थोड़ी सी मैं स्पिनच ऐड कर रही हूँ. और यूजुअली कई बार मैं नॉर्मल जो चीज़ होता है मोज़रेला वगैरह वो ऐड कर देती हूँ. बस ये है कि प्रोटीन रिच होना चाहिए. एंड ऑमलेट के साथ में, एग्स के साथ में एक जस्ट ब्रेड पे थोड़ा हमस लगा रही हूँ. हमस दैट इज़ मेड अप ऑफ चिक पीस और हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है. और साथ में दे रही हूँ थोड़ा फ्रूट. तो कोई ना कोई फ्रूट होता है, आज एप्पल खा रही है. और फ्रूट के साथ में 2 डेट्स, 1 या 2 ऐसी होती हैं क्योंकि ये मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं. और कई बार एक खाती है, कई बार 2 खाती है. सो दिस इज़ हर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे. एंड यही हम खाते हैं, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस है और फुलफिलिंग भी होता है. तो काफ़ी टाइम तक का जो टमी है वो फिल रहता है. और मॉर्निंग स्नैक्स उसके होते हैं 10:30. बाकी बच्चों को जैसे भूख लगती रहती है, कुछ कुछ मांगते रहते हैं, बट जो डेडिकेटेड टाइम होता है वो अराउंड 10:30 होता है. तो ये सेम टाइम मेरा हस्बैंड और एम्बर, तीनों का सेम स्केड्यूल है हर खाने में. मॉर्निंग इकट्ठे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, स्नैक्स खाते हैं, बाद में लंच इकट्ठे करते हैं. तो स्नैक्स में उसने ग्रीक योगर्ट और एक बनाना मैंने दिया था. और लंच में मैंने बनाई है शिमला मिर्च आलू की सब्जी. और शिमला मिर्च उसको इतनी पसंद नहीं है, बट मैं स्लोली स्लोली उसको थोड़ा थोड़ा देती रहती हूँ. तो एक रोटी है, सैलेड है, बेबी कैरेट्स और कुकुम्बर और दही. दही उसको बहुत पसंद है. तो स्पाइसी जो है वो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ ताकि वो भी खा सके, हम भी खा सकें. तो मीडियम सा रखती हूँ. सो दिस इज़ हर लंच एंड आर लंच एज वेल. एंड दिस इज़ आई थिंक दिस अ बैलेंस्ड एंड कम्प्लीट मील. नाउ इवनिंग स्नैक में उसकी डिमांड है कि उसको शेक चाहिए. चॉकलेट शेक बना रही हूँ. और इट्स लाइक अ ट्रीट बिकॉज बच्चों को थोड़ी यू नो ऐसी चॉकलेट या कोई भी चीज़ ऐसे पसंद आती है. हालांकि एम्बर को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो कम ही वो डिमांड करती है. तो उसको मैं दे रही हूँ चॉकलेट शेक जिसमें मैंने मिल्क और थोड़ा कोको पाउडर और 1 स्कूप थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम ऐड करी है. तो उसके साथ ही शुगर है तो ऊपर से कोई शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ. और इसका शेक बना रही हूँ सिंपल ईजी पीजी. और थोड़े से इसमें चोको चिप्स ऐड कर दूँगी. और कई बार वो मैंगो शेक पीती है या बनाना शेक पीती हूँ तो मैं उनके लिए जैसे आलमंड मिल्क यूज़ कर लेती हूँ, बट इसमें मैंने नॉर्मल काउ मिल्क यूज़ किया है.
और रिसेंटली उसको आटा बिस्किट बहुत पसंद आए हैं, बट आज वो खा रही है ये गोल्ड फिश बिस्किट्स। और डिनर हमारा जल्दी हो जाता है सबका 7:30 के करीब, और पिज़्ज़ा बना रही हूँ दैट इज़ ऑलमोस्ट ग्लूटन फ्री, क्योंकि इसमें वीट नहीं यूज़ कर रही हूँ, बेसन यूज़ कर रही हूँ बेस के लिए, और इसमें फ्लैक्स सीड पाउडर ऐड करा है, थोड़ा सा सॉल्ट, जैसे चीला बनाते हैं वैसा ही ये बेस बनाना है इसका, कंसिस्टेंसी जैसे डोसा का होता है वैसी रखनी है हमें, तो जस्ट चीला जैसा ही ये बैटर हो जाएगा। और नॉन स्टिक या कास्ट आयरन किसी पे भी आप जैसे चीला बनाते हो वैसा ही बनाना है, और थिक बनाओ अगर आपको थिक खाना है तो ये थोड़ा थिन क्रस्ट स्टाइल जैसे पिज़्ज़ा होता है वैसा ही बनेगा, पतला बनेगा, और उसको पसंद है, और चीला भी वैसे भी पसंद होके खाती है, बट इसको ये फील आता है कि हाँ ये पिज़्ज़ा दिया है। नाउ ये हमारा बेस जो है रेडी है, और इस पर अगेन मैं हमस लगा रही हूँ, इंस्टेड ऑफ मेयोनीज या केचप आई प्रेफर टू पुट हमस, जो कि मोस्टली घर पे बनाया होता है, और ये मोज़रेला चीज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अदर चीज़, मुझे ये मोज़रेला चीज़ बहुत ही पसंद है, और पनीर का भी थोड़ा फील आता है, और थोड़ा सा जस्ट यू नो हल्का सा टेक्स्चर चीज़ी टेक्स्चर के लिए मैं थोड़ा सा और शेडा चीज़ भी स्प्रिंकल करा है, और उस पर मोज़रेला चीज़ रख रही हूँ, थोड़ी बेबी स्पिनच रख रही हूँ, और टोमेटोज़ आई थिंक मैंने थोड़े से थिक टोमेटोज़ कट कर लिए हैं, और थोड़े से ऑलिव्स, और हल्का सा सॉल्ट करके स्प्रे कर रही हूँ ऑलिव ऑयल के साथ में, और बेक कर लेना है रफली अराउंड 10-15 मिनट्स, पता चल जाएगा कि आपको कुक हुआ है या नहीं हुआ है, और बट अगर थोड़ा बहुत रॉ टोमेटो रह भी गए इट्स टोटली फाइन बिकॉज इट्स नॉट बैड थिंग। तो ये उसका डिनर है, उसका हमारा सबका ये डिनर है, चीज़ी भी हो गया, यमी भी हो गया, और हेल्दी भी है, और फ्रेश जब आप कोई भी चीज़ लेते हो तो वो अच्छा ही होता है। यस डेफिनेटली थोड़ा सा जो मैंने प्रोसेस्ड चीज़ लिया है वो भी कभी कभी आप खा सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट शी ईट्स इन अ डे ऑलमोस्ट, मतलब मैं चेंज करती रहती हूँ, और उसके अलावा आप मेरे टिफ़िन वीडियो चेक कर सकते हो, क्या वो लंच में लेके जाती है, तो मैं काफ़ी वीडियोस यहाँ पे और इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, और प्रॉपरली आप बाकी वीडियोस चेक कर सकते हो, 3-year, 2-year-old, 4-year-old किड्स की क्या डाइट होनी चाहिए, क्या खा सकते हैं, बेसिकली क्या आइडियाज़ कई बार नहीं हमें मिलते हैं। और इसके साथ फिनिश करते हैं ये ब्लॉग, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल स्टे हैप्पी एंड ब्यूटीफुल, टेक केयर, बाय बाय।